तो इस बार आजमगढ़ भी फतह करनी है भारतीय जनता पार्टी। खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज मऊ। तहलका न्यूज मऊ, तहलका न्यूज मऊ, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। हाँ, मऊ चाहता है। ये अनेक काम पिछले 5 वर्षों में हुए हैं। वाटरवेज हल्दिया से, हल्दिया जो कलकत्ता के पास, हल्दिया से बनारस वेसल्स आने लगे, और अभी कांग्रेस की जो इंचार्ज है पूरी उत्तर प्रदेश की, श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी अभी आई थी, इलाहाबाद में गंगा के जल का आचमन किया उन्होंने। तो गंगा जल आचमन लायक बना है तो इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज से 4 साल 5 साल पहले यहां बैठे हुए लोग, यहां अपने से कोई गंगा जल का आचमन नहीं करता था, और इलाहाबाद से मोटर बोट से बनारस आई हैं तो इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और मित्रों, में एक बात कहना चाहता हूं, जैसा मैंने आतंकवाद और नक्सलवाद की बात कही, भारतीय राजनीति के 3 सबसे बड़े नासूर हैं, वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद। मुझे लगता है कि हमारे और आपके अलावा, हमारी पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल इन तीनों रोगों को, तीनों बीमारियों को जड़ से खत्म नहीं करना चाहेगा। कोशिश की है 5 वर्षों में, काफी हद तक खत्म करने में हम सफल भी हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको पूरी तरह समाप्त करना यह भी भारतीय जनता पार्टी की है, और इसलिए हमें पूरे ताकत से पूरी उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से पिछली बार हमने सफलता पाई थी, 1 सीट रह गई थी आजमगढ़, मित्रों इस बार आजमगढ़ भी फतह करनी है भारतीय जनता पार्टी। इस नासूर को भी खत्म करना है। और कार्यकर्ता मित्रों, में एक बात कहना चाहता हूं, कोई चुनाव 150 मुद्दों पर नहीं लड़े जाते। 4-5 मुद्दे होते हैं जो चुनाव में प्रमुखता से लोगों के मुद्दे बन जाते हैं, और मुझे लगता है कि प्रमुख रूप से 2-3 बातें अगर हम ध्यान में लाएं, पहला सवाल नेतृत्व का है। आज हमारी पार्टी के पास जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी के रूप में, चुनौती से और गर्व से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह सकता है कि पूरे विपक्ष में कोई नहीं है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर। और मित्रों, ये ऐसे नहीं हासिल होता है, वर्षों की तपस्या, ईमानदारी, कर्मठता, तब ये नेतृत्व हासिल होता है। प्रचंड बहुमत के बाद पारदर्शी ढंग से और ईमानदारी से सरकार चलाना ये सामान्य बात नहीं है। राजनीति में, सामाजिक जीवन में जो काम करता है वो आर्थिक शुचिता, चरित्र और ईमानदारी की ही बात करता है, लेकिन ईमानदारी की बात करना और अवसर मिलने के बाद ईमानदार रहना, ये 2 अलग अलग बातें। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने उसे अपने आचरण और व्यवहार से जमीन पर उतार करके दिखाया है। एक भी आरोप प्रामाणिक का 5 वर्ष में सरकार पर भ्रष्टाचार के नहीं लगे। कोशिश हुई है कांग्रेस के अध्यक्ष जी के द्वारा बार बार एक झूठ बोलना, राफेल, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम फैसला सुना दिया, लेखा जोखा देश की जो संवैधानिक संस्था रखती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महालेखा एवं परीक्षक एवं नियंत्रक, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, और संसद की बहस आप में से अनेक लोगों ने देखी है। देश के सम्माननीय वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी और देश के रक्षा मंत्री सम्माननीय निया श्रीमती निर्मला सीतारमन ने जिस तरह से जवाब दिया, तो कांग्रेस अध्यक्ष बाहर निकल के कह रहे थे हमको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे। इन लोगों को एक आदत पड़ी हुई है, इनके खून में है
कि देश की संवैधानिक संस्थाएं हमसे नीचे हैं। सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं, हम जो कहेंगे, हमारा जो परिवार कहेगा, वो सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनसे वो अपने आप को ऊपर मानते हैं। इस मानसिकता से ये लोग राजनीति करते हैं। तो नेतृत्व की चर्चा मैंने की, पार्टी भारतीय जनता पार्टी और पार्टी की विचारधारा।